Assalamualaikum जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. We are back again with an introduction video and आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल बहुत 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 अच्छा है, so please read करें. Documentary about the birth story of Imam Ali, जो कि हमने आज तक कभी नहीं सुनी. इनकी full documentary भी हमने कभी नहीं सुनी. I think इनके हम वाक्य सुनते हैं थोड़े बहुत कि ऐसे ये जंग के वाक्य सुने हैं या कुछ ऐसे वाक्य सुने. आज हम उनकी बर्थ स्टोरी सुनेंगे कि जो इतने बड़े जो हैं आलिम, कैसे आलिम क्या कहते हैं, इतने बड़े शख्सियत बोल सकते हैं ना, खलीफा बोल दो. हाँ, वो धरती पे जब आए थे तो वो कैसे आए थे, क्या हुआ था, क्या मंजर होगा, क्या हुआ एंड उससे पहले गाइस जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को. ओके, kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehriban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. Peace Awal Feel, Hazrat Abu Talib ki zoja, Bibi Fatima binti Asad ki peet mein ek bachcha tha. Aisa bachcha ke jab Allah ke Rasool Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam aate, to wo bachcha अपनी माँ को ताजीम के लिए उठने पर मजबूर कर देता. लोगों ने कहा, फातिमा बिनते असद, तुमने तो मोहम्मद को पाला है, जब मोहम्मद घर में आते हैं तो तुम उठती क्यों हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद ने कहा, मैं नहीं उठती, ये बच्चा मुझे उठवाता है और मेरे पेट में मुझसे कहता है, उठो, मेरे आका मोहम्मद आ गए. बस जब बच्चे की आमद करीब आई तो बीबी फातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब गई और काबे का तवाफ करने लगी. ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब देख रहे थे. तवाफ करते करते जब बीबी रुकने यमनी तक पहुंची तो दीवार काबा हिलने लगी और उसमें शिगाफ आ गया. वो शिगाफ इतना था कि एक इंसान अंदर जा सके. तो बीबी फातिमा बिनते असद अंदर चली गई और फिर से दीवार काबा मिल गई. हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ये मंजर देखा तो वो हैरान हो गए, इधर उधर भागने लगे, लोगों से कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाने काबा में अंदर चली गई. लोग जमा होने लगे, हजरत अबू तालिब को बुलाया. जब खाने काबा की चाबी से खाने काबा को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो दरवाजा खुल नहीं रहा था. सब परेशान, लेकिन हजरत अबू तालिब और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे. लोग जमा होने लगे, यहाँ तक कि पूरा मक्का लोगों से भर गया. तारीख ने लिखा 1.5 लाख, किसने लिखा 80 लाख या उससे भी ज्यादा. मजमा मक्के में जमा हो गया ताकि देखें कि ये मामला क्या है. बस 3 दिन के बाद 13 रजब 30 आमुल फील को हजारों लोग काबे के बाहर जमा थे कि वो दीवार फिर से हिली और शिगाफ फिर से जाहिर हुआ. तो हजरत अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद जाओ देखो. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खाने काबा के अंदर गए तो बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बच्चा था. बीबी ने कहा, मोहम्मद, ये बच्चा न रोता है, न आंखें खोलता है और न ही दूध पीता है. बस अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लिया. जैसे ही वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की गोद में आया, आंखें खोलने लगा और मुस्कुराने लगा. अल्लाह के महबूब ने अपनी जबान उस बच्चे के मुंह में डाल दी और वो बच्चा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जबान चूसने लगा. और फिर अल्लाह के महबूब ने कहा कि जिसने इस बच्चे को विलादत के लिए अपना घर दिया है, नाम भी वही देगा. फिर फरमाया, अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे का नाम आज से अली है. बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बच्चे को गोद में लेके बाहर आए. खुशी का माहौल बरपा हो गया. हजरत अबू तालिब ने गोद में लिया, बस जाने लगे कि इतनी देर में कहीं से कोई ईसाई, कहीं से कोई नजूमी, कहीं से कोई सरदार आकर कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, वो जो रस्म हम हमेशा करते हैं वो नहीं कि हम बच्चे को हमेशा पत्थर पे लेटाते हैं और अजदा छोड़ते हैं. अगर सांप ने बच्चे को खा लिया, इसका मतलब ये बच्चा उसके बाप और माँ के लिए शर्मिंदगी का सबब था. अगर बच्चे को सांप नहीं खाता, मतलब ये बच्चा अपने बाप की औलाद है, तो क्या ये रस्म नहीं करोगे? हजरत अबू तालिब ने मुस्कुरा के उस पत्थर पे अपने बेटे अली को लिटा दिया. सांप आया,
बस जैसे ही इमाम अली को देखे, इमाम अली ने अपने नन्हे हाथों से उस अजदाह को पकड़ लिया और चीर के दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। अरबी में सांप को कहते हैं हैया और किसी चीज को फाड़ने को कहते हैं दर्रा। तो बस लोग जोर जोर से कहने लगे हैया दर्रा, हैया दर्रा। और ये आवाज इतनी बुलंद होने लगी और दूर से ये सुनाई देने लगा है दर्रा, है दर्रा। और आपकी माँ ने कहा ये मेरा बेटा हैदर है, वो शेर जो अपनी उंगलियों से सांप को चीर दे, तमाम अहले ईमान को इमाम अली अपने अभी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक। तो ये थी वीडियो हजरत अली के बारे में, इनका बर्थ हुआ। और सबसे मेरे को इंटरेस्टिंग किस्सा इसमें वही लगा सांप वाला। सांप वाला हाँ। एक तो पहले इनके बर्थ पे 150,000 180,000 कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। एंड सेकंड करिश्मा ये था कि जो उन्होंने सांप को यहाँ मतलब है ना शुरू से ही वो इतने ताकतवर थे तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े होके तो फिर उन्हें जो नाम मिला था वो तो मिलना ही मिलना था। स्टार्टिंग में सभी को हिंट दे दी थी कि मैं कैसा हूँ वो हमने देखा है, हमने जंगों के बारे में सुना है, इनकी हजरत अली के बारे में। तो ये था वाक्य, पसंद आया होगा ये स्टोरी थी सही। और ऐसे ही वाक्य अमेजिंग वाक्य जो भी हम यहाँ बैठ के शॉकिंग हो रहे थे, जो इस लोगों ने ये चीज लाइव देखी थी मतलब वो कैसे देख रहे होंगे ना, वो भी टाइम था एक। यही था इस वीडियो में, होप सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो में।